जल संसाधन विकास मंत्रालय की भी मदद से कार्य करने की योजना बनाई गई है। बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए बजट में 44,605 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पानी की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड क्षेत्र के लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार एनडीए की सरकार कृषि विकास किसान के कल्याण एवं उनकी आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी का प्रावधान बजट में किया है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। गंगा किनारे रहने वाले किसानों की जमीन पर खास फोकस दिया जाएगा, जिसके लिए 5 किलोमीटर का चौड़ा कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई है। लैंड रिकॉर्ड्स के लिए डिजिटलाइजेशन की योजना पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में 130 लाख एमएसएमईज की मदद के लिए सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ का एडिशनल लोन मुहैया कराने के लिए कदम उठाए गए हैं। अगले 5 साल में एमएसएमईज को लगभग 6000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही यह व्यवस्था भी की जाएगी कि इसका सदुपयोग हो सके। इस बजट में प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना को एक विस्तार दिया गया है। गरीबों के लिए 80 लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। भारत के संघीय ढांचे को मजबूत करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2022-23 के में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने की घोषणा की है, जो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त होगा और राज्यों को दी जाने वाली सामान्य ऋण से अलग होगा। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं उत्तरी बॉर्डर पर स्थित गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 अभियान के भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ 2 लाख आंगनवाड़ी को भी अपग्रेड किया जाएगा। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हर घर नल जल पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। देश के सभी 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग से जोड़ा जा चुका है। अब आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 डिजिटल बैंक 75 जिलों में बनेंगे। देश के सभी पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह सराहनीय कदम है। लगभग 8,500 पुराने कानून को खत्म किया गया है। 1,486 केंद्रीय कानून खत्म किए गए हैं। ग्रीन क्लियरेंस विंडो का दायरा बढ़ेगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लाई जाएगी। महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चे 2 साल शिक्षा से वंचित रहे हैं। पीएमई विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़कर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए टैक्स रेट में मिली संपत्ति को जो जब्त करने का प्रावधान है वह सराहनीय है। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% रक्षा अनुसंधान एवं विकास उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का डिजाइन और विकास के लिए
निजी उद्योग को प्रोत्साहित किया जाए। मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक स्थिति को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा।